दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश हुई। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट पर एक बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी मास्क कंपलसरी नहीं होगा। हालांकि सांस की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को एहतियातन मास्क लगाने की सलाह दी गई। वहीं केजरीवाल ने कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड की पूरी सुविधा होने का भी दावा किया। इसके अलावा सरकार ने जीनोम सिक्वेंसिंग और जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कुछ ही घंटों में रिहाई हो जाएगी, ये जानकारी उनके ट्विटर अकाउंट से दे दी गई। इसमें लिखा गया कि सिद्धू को शनिवार को पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। बिहार में राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस दौरान 81% छात्र पास हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को इनाम का भी ऐलान किया गया। पहले स्थान पर रहने वाले छात्रों को 1,00,000 रुपए मिलेंगे, वहीं दूसरे स्थान पर 75,000 रुपए तो तीसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप समेत कुछ और चीजें बतौर इनाम मिलेंगी।